नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसकी लोगों में रॉबिन हुड वाली छवि थी। उसका एक दोस्त परछाई की तरह उसके साथ रहता था, जिसके घर में कभी देश के प्रधानमंत्री आया करते थे। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं सूर्यदेव सिंह की। 1977 से 1991 14 सालों तक लगातार झरिया के विधायक के रूप में सूर्यदेव सिंह ने यहाँ के लोगों की सेवा की। 1939 में उत्तर प्रदेश के बलिया के एक गांव के एक किसान के घर में सूर्यदेव सिंह का जन्म हुआ। उसकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। युवा उम्र में उसका शरीर तकड़ा हुआ करता था। उसके पिता यूपी को छोड़ धनबाद में कदम रखते हैं। 1961 में सूर्यदेव ने झरिया में काम किया। उनको उस समय लोग पहलवान नाम से बुलाने लगे थे। पहलवानी में भी उनका शौक था। झरिया में वो मजदूर संगठन से जुड़ जाते हैं। उन्होंने मजदूरी की, लोगों में अपनी अच्छी इमेज पैदा की। उन्होंने कई बार मजदूरों की मदद भी की। अपने काम से सूर्यदेव ने मजदूरों का दिल जीत लिया था। कुछ सालों में ही सूर्यदेव मजदूर नेता बनकर उभरते हैं। 1970 के दशक में झरिया के विधायक सूर्यदेव सिंह ने झरिया कोयला मजदूरों की सेवा के लिए जनता मजदूर संघ का गठन किया। इसकी मदद से मजदूरों की वो समस्याओं को लेकर लड़ते रहे। उन्होंने मजदूरों को उनका हक दिलवाया। जनता मजदूर संघ के प्रति आज भी हजारों मजदूरों की आस्था है। सूर्य ने लोगों का ऐसा दिल जीता कि वो अपने अंतिम समय तक झरिया के विधायक बने रहे। उस दौर में रहे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ सूर्यदेव की अच्छी बना करती थी। झरिया के विधायक सूर्यदेव सिंह जेपी आंदोलन के समय समाजवादी नेता लोक नायक जयप्रकाश और युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर के करीब आए। 1977 में पहली बार जनता पार्टी की टिकट से सूर्यदेव झरिया के विधायक बने थे। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो सूर्यदेव के कहने पर वो कई बार धनबाद आए। धनबाद में सूर्यदेव ने ऐसा नाम बनाया कि उनकी वहां तूती बोलने लगी थी। उनसे बड़ा कोल माफिया कोई नहीं था। जब भी बिहार में चुनाव होते थे तो सभी राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज़्यादा डोनेशन धनबाद से आया करता था। धनबाद में सूर्यदेव का एक सिंह मैंशन भी था। उसको सत्ता का सबसे बड़ा घर कहा जाता था। सूर्यदेव पर कई आपराधिक आरोप थे, लेकिन बावजूद उसके देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सूर्यदेव से मिलने उनके घर जाया करते थे। वो सूर्यदेव को अपना मित्र बताया करते थे। यही नहीं बल्कि सूर्यदेव चंद्रशेखर को डोनेशन भी दिया करता था। रघुनाथ नाम के शख्स और सूर्यदेव में जय वीरू की तरह दोस्ती हुआ करती थी। रघुनाथ एक बहुत खतरनाक शूटर हुआ करता था। 80 के दशक में रघुनाथ की गोलियों से कई बाहुबलियों की हत्या हुई, चाहे वो बीपी सिन्हा हो चाहे फिर कोई और। बताया जाता है 80 के दशक में वासेपुर के कुछ लोगों ने बैनर्जी परिवार की बेटी को अगवा कर लिया था। वो परिवार बंगाली था। बैनर्जी परिवार घबराया हुआ था। पुलिस के पास जाने की बजाय वो परिवार सूर्यदेव सिंह के सिंह मैंशन पर दस्तक देता है। जब सूर्यदेव ने परिवार की बात सुनी तो सूर्यदेव सिंह खुद उस परिवार के साथ लड़की को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं उनके साथ रघुनाथ सिंह भी था। रघुनाथ अपनी गन से हवाई फायर करता है। गोली की आवाज़ सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। वहीं सूर्यदेव सिंह ने ऐलान किया कि अगर 24 घंटे में लड़की को सही सलामत वापस नहीं किया तो इलाके और उन लोगों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कहते हैं 12 घंटे में लड़की सही सलामत अपने परिवार के पास पहुंच गई थी। सूर्यदेव सिंह की छवि लोगों में रॉबिन हुड वाली थी। सूर्यदेव ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, वो उल्टा गरीबों की पैसों से मदद कर दिया करता था। सूर्यदेव का मित्र रघुनाथ एक सनकी व्यक्ति था। एक दिन रघुनाथ और सूर्यदेव कार से ट्रैवल कर रहे थे। किसी बात को लेकर सूर्यदेव ने रघुनाथ की बात को अनसुना कर दिया। रघुनाथ की बात को सूर्यदेव सिंह ने काट दिया। सूर्यदेव ने रघुनाथ के हाव भाव को देखकर अंदाजा लगा लिया कि रघुनाथ गुस्से में है। उनको डर था कहीं रघुनाथ उन पर गोली ना चला दे। इसको देखते हुए सूर्यदेव ने गाड़ी को रुकवा दिया और वो रास्ते में ही उतर जाते हैं और रघुनाथ को कह देते हैं कि वो यहाँ से खुद अकेले चला जाए।
रघुनाथ अकेले ही ट्रैवल करके जाता है। वो दिन भी आ गया जब सूर्यदेव की 15 जून 1991 में मृत्यु हो जाती है। सूर्यदेव की मृत्यु तब हुई जब वो धनबाद से रांची जा रहे थे। आपको बता दें, सूर्यदेव को रांची हाई कोर्ट में एक मामले में हाजिर होना था, तो रास्ते में उनको हार्ट अटैक आ गया था जिसमें वो नहीं रहे। सूर्यदेव के बाद उनका छोटा भाई बच्चा सिंह झरिया के विधायक और झारखंड के मंत्री बनते हैं। आपको बता दें, सूर्यदेव सिंह के 4 भाई थे जिनका नाम था विक्रमा सिंह, बच्चा सिंह, रामाधीर सिंह और राज नारायण सिंह। कहते हैं जब एक हत्याकांड में सिंह मेंशन का नाम आया था तो शिब्बू सोरेन ने सिंह मेंशन को मिट्टी में मिलाने की बात कर दी थी। तो रघुनाथ सिंह अपनी मारुति वैन जिसका के नंबर 302 था उससे शिब्बू सोरेन के एरिया में पहुंचता है और ऐलान करता है अगर सिंह मेंशन का किसी ने बाल भी बाका किया तो वो उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद शिब्बू सोरेन ने सिंह मेंशन के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। सूर्यदेव सिंह की मौत के बाद रघुनाथ सिंह मेंशन की ढाल बनकर रहे। जल्द वो समय भी आ गया जब रघुनाथ सिंह मेंशन से किनारा कर लेता है। हुआ यूं, जब बच्चा सिंह झरिया से इलेक्शन लड़ रहे थे तो रघुनाथ भी बच्चा सिंह की मदद के लिए वहां मौजूद था। इसी बीच बच्चा सिंह ने रघुनाथ को बेइज्जत कर दिया था। वो बात रघुनाथ को इतनी चुभी थी कि वो सिंह मेंशन और धनबाद को छोड़कर बोकरो धूमल सिंह के पास चला जाता है। कुछ समय बाद वहां रघुनाथ की मौत हो जाती है। सूर्यदेव सिंह के जाने के बाद सिंह मेंशन के काम करने के तरीके बदल गए थे। अपहरण केस में गुड्डू शुक्ला के साथ साथ सिंह मेंशन का नाम भी आया था जो पैसों को लेकर काम किया गया था। सूर्यदेव के छोटे भाई राज नारायण सिंह के साडू संजय सिंह और उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह के बेहद करीबी प्रमोद सिंह और नीरज सिंह के मर्डर ने सिंह मेंशन की लड़ाई को घर से बाहर लाकर खड़ा कर दिया था। आपको बता दें, नीरज सिंह राज नारायण का बेटा और सूर्यदेव का भतीजा था। नीरज की हत्या में सूर्यदेव के बेटे और झरिया विधायक संजीव सिंह का नाम आया था। 27 मई 1996 को धनबाद में एसपी कोठी के सामने संजय सिंह की हत्या कर दी गई थी। आपको पहले ही बता चुके हैं, संजय सिंह सूर्यदेव सिंह के छोटे भाई राज नारायण सिंह का सगा साडू था। ये हत्या उस समय की गई जब संजय सिंह कोयला व्यवसायी पप्पू सिंह के साथ जा रहे थे। पप्पू सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाती हैं। हमले के दौरान सुरेश सिंह, पप्पू सिंह और संजय सिंह एक साथ गाड़ी में थे। हमले में पप्पू सिंह और सुरेश सिंह को आंच तक नहीं आती, मगर संजय सिंह को वहीं ढेर कर दिया जाता है। पुलिस ने शक के आधार पर इसमें सुरेश सिंह और पप्पू सिंह को हमले का दोषी बताया। बेशक वो उस हमले में अपने आप को निर्दोष बताते रहे, लेकिन पुलिस उनको जेल भेज देती है। सीआईडी जांच में संजय सिंह की हत्या के मामले में सूर्यदेव के बड़े बेटे राजीव रंजन और भाई रामाधीर सिंह का नाम आता है। सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच यहां से ही दरार आ जाती है। राज नारायण सिंह की पत्नी और नीरज सिंह की मां को इससे बहुत बड़ा झटका लगता है। 3 अक्टूबर 2003 को बनारस से धनबाद लौटे कोयला व्यवसायी और उत्तर प्रदेश के खूंखार बदमाश ब्रिजेश सिंह के रिश्तेदार प्रमोद सिंह की हत्या हो जाती है। उस हत्या में सूर्यदेव सिंह के बेटे राजीव रंजन का नाम निकलकर सामने आता है। उसके बाद राजीव रंजन सिंह भागकर कोलकाता चला जाता है। वहां कुख्यात बदमाश ब्रिजेश सिंह का रिश्तेदार राजीव रंजन सिंह की हत्या कर देता है। सिंह मेंशन को एक बड़ा झटका लगता है। यहां से ही परिवार की लड़ाई घर से बाहर आ जाती है। सूर्यदेव सिंह के बेटे सिद्धार्थ गौतम सामने आकर जनता मजदूर संघ से अपने चाचा बच्चा सिंह को हटा देता है। वहीं मजदूर यूनियन भी दो ग्रुप में बट जाती है। चाचा सिंह जो झरिया से विधायक थे उस पर भी सूर्यदेव के परिवार ने अपनी दावेदारी कर दी। 21 मार्च 2017 को कोयलांचल में सूर्यदेव सिंह के छोटे भाई राज नारायण के बेटे नीरज सिंह को आगे बढ़ाने में बच्चा सिंह पूरा साथ दे रहा था। राज नारायण सिंह ने बच्चा सिंह की मदद से अपना रघुकुल बनाया था। नीरज सिंह की लोगों में लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। नीरज सिंह की हत्या के बाद परिवार अब पूरी तरह टूट चुका था। सगे रिश्तों में इतना खून बहने के बाद अब कभी शायद ही सिंह मेंशन और रघुकुल में समझौता हो। सूर्यदेव के संतान जिनका नाम है बेटी किरण सिंह, राजीव रंजन सिंह,
संजीव सिंह, सिद्धार्थ गौतम और बेटी ज्योति सिंह। विक्रमा सिंह की 12 संतान है, वहीं बच्चा सिंह की कोई संतान नहीं है। राज नारायण सिंह की 4 संतान थी, जिनका नाम है नीरज सिंह, अभिषेक सिंह, मुकेश सिंह और एकलव्य सिंह। रामाधीर सिंह की भी 4 संतान है। जहां एक समय कोयलांचल पर सिंह मेंशन की पकड़ मजबूत हुआ करती थी, आज वो पकड़ कमजोर पड़ गई है। तो दोस्तों, ये थी सूर्यदेव सिंह की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।